अगर आपका भी इंस्टाग्राम बैन हो गया है तो उस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कैसे अनबैन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो। दोस्तों आज दिन इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो इंस्टाग्राम की टर्म एंड कंडीशन होती है उसके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर देते हैं तो आपका इंस्टाग्राम टीम इंस्टाग्राम अकाउंट आपका बैन कर देती है। तो अब बात आ जाती है कि बैन तो हो गया, अब उसको अनबैन कैसे करें। ठीक है, मान ली हमने गलती कर दी तो आप उसको बैन अनबैन कैसे कर सकते हैं, डिसेबल अकाउंट को फिर से एनेबल कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए तो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, उसमें सर्च बार में आपको लिखना है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर डिसेबल अकाउंट, हेल्प सेंटर डिसेबल अकाउंट, ऐसा आपको लिखकर सर्च कर देना है। तो देखिए जो आपके सामने पहला ऑप्शन आया है यहाँ पर इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्म टाइप का आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसमें देखिए बता रहा है फुल नेम, तो आपको जितने भी सारी ये चीज़ें बता रहा है आपको यहाँ पर फिल कर देना है फुल नेम। इसमें आपको जो आपका इंस्टाग्राम पर है नाम था उसको यहाँ पर डालना है फुल नेम, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस है आपकी जो ईमेल है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर जो आपका यूजर नेम था जिस इंस्टाग्राम यूजर नेम था उसको आप इसमें डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है, पर्सनल मोबाइल नंबर जो अभी चालू है, और यहाँ पर आपको डालना है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिसेबल कैसे हुआ, किस कारण से डिसेबल हुआ, और उसको आप बैक कैसे वापस करें। तो यहाँ पर आपको अपील करनी है कैसे मेरा अकाउंट वापस करने के लिए आपको अपील करना है यहाँ पर। तो आप इतने सारे जो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो उसको आपको फिल कर देना है प्रॉपरली। यहाँ पर आपको ईमेल डालनी है, अपनी ईमेल डालकर यहाँ पर यूजर नेम डालना है, जो आपका यूजर नेम है उसको आप डाल देना, यूजर नेम गलत नहीं डालना, आपको देख लेना है क्या हमारा यूजर नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, तो आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल देना। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डिसेबल हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और सेंड कर।